बच्चों अब उदाहरण पांच की तरफ देखिए। उदाहरण पांच में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ए सी और बी डी उसके विकर्ण है और ओ उन दोनों विकर्णों का कटान बिंदु है। हमें जो माप दी हुई है वो है ए ओ की माप दी गई है 3 सेंटीमीटर और बी ओ की माप दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये जानकारियां हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि ओ सी ओ डी ए सी और बी डी ए सी और बी डी की लंबाइयां कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए, ये बहुत ही आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। बस समानांतर चतुर्भुज के गुणों को याद कीजिए और उनके विकर्णों के बारे में अभी तक आपने जो पढ़ा वो याद करिए। आपको मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटते हैं वो उन विकर्णों का मध्य बिंदु होता है, यानी कि ए सी का मध्य बिंदु ओ है और उसी तरह से ओ बी डी का भी मध्य बिंदु है, यानी ए ओ बराबर ओ सी होगा, ए ओ बराबर ओ सी। और चूंकि ए ओ का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो आप लिख सकते हैं ओ सी का मान भी होगा 3 सेंटीमीटर। ये तो आपका एक हल हुआ। उसके बाद ओ डी की बात हम करें, ओ डी भी इस विकर्ण बी डी का आधा हिस्सा है, तो आपको पता है कि चूंकि ओ बी डी का मध्य बिंदु है इसलिए ओ बी बराबर ओ डी होगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ डी और ओ बी का मान आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं कि ओ डी बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब आप देखिए तीसरी चीज, ए सी इस पूरे विकर्ण की बात पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ओ ए धन ओ सी, ओ ए धन ओ सी। ओ ए का मान आपने निकाला, आपको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और ओ सी का मान आपने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर, ये बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आपकी तीसरी जानकारी भी आपने ढूंढ ली कि ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब बी डी देखिए, आप बी डी माना दूसरा वाला विकर्ण, बी डी बराबर ओ बी प्लस ओ डी, या आप उसे डी ओ प्लस ओ बी भी कह सकते हैं। ये दोनों रेखाखंडों को आपको लिखना है कि बी डी जो पूरी लंबाई है वो बी ओ और ओ डी, या किसी भी रूप में आप लिख लें, जैसे ओ बी प्लस ओ डी लिख लें, ओ बी प्लस ओ डी। और ओ बी का मान देखिए आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर और आगे धन ओ डी का मान, ओ डी का मान आपने निकाला है 4 सेंटीमीटर, तो यहां भी आप लिखिए 4 सेंटीमीटर, ये बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि बी डी का भी मान आपने निकाल लिया, पूरी बी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, ये आपका बी डी आपने ढूंढ लिया। ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपने ढूंढ लिया। ए सी माने पूरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर और जो बचा हुआ हिस्सा था ओ सी, ये आपने देखा ओ सी इसके बराबर है 3 सेंटीमीटर और चौथी चीज ओ डी जो थी वो 4 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से आपने चारों लंबाइयां जो पूछी गई थी वो प्राप्त कर ली और ये आपका उदाहरण 5 हल होता है।